हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कि यानी जो हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं, पहले एक्टिन पढ़ा हुआ है हमने, मायोसिन पढ़ा हुआ है हमने, ट्रोपोनिन पढ़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है, ये सारे कैसे अब आपस में इंटरैक्ट करते हैं और ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। आज का हमारा यही टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनिक बेसिस क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का, वो सब डिस्कस करा हुआ है। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जा करके, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले तुम वो वाली वीडियो देखो और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो कंटिन्यू करो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने तुमको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वो सारे ही यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तुमको जितने भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं, तुमको जितने भी यूनिवर्सिटी में टॉपिक्स आते हैं, उन सबको मैं एकदम इम्पोर्टेंट लेकर के चलता हूँ, उन सबको पढ़ाता हूँ। जितने भी तुमको वीडियो देखने मिलेंगे, सभी तुमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही मिलेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इररिलेवेंट हो, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, नहीं तो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कंटिन्यू करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या कहते हैं? द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। हमने पढ़ा हुआ है कि एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल्स में और वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या होता है हम पूरा भी समझेंगे। रेस्टिंग इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स थ्री की स्टेजेस, क्लियर? एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, फंक्शंस ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म। पूरा क्या होता है हम उसको समझेंगे। देखो, हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक होता है एक्टिन, दिस इज आर एक्टिन एंड दिस इज आर मायोसिन, क्लियर? मायोसिन में दो पार्ट्स होते थे, एक होता था हेड पार्ट और एक होता था टेल पार्ट, क्लियर? तो यहाँ पे टेल पार्ट का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है जितना हेड पार्ट का है। हेड पार्ट और टेल पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, मायोसिन के पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है? हेड पार्ट का, क्लियर? ओके, अब क्या होता है, जो मेन आयन है हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो है कैल्शियम आयन, क्लियर? कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है सोडियम वगैरह, वो इम्पल्स को लेके जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम आयन, क्लियर? ओके, क्या होता है, ये जो एक्टिन है इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे तीन स्ट्रक्चर वाले, तीन गोले वाले समझ लो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जिसका नाम है हमारा ट्रोपोनिन, मॉलिक्यूल है ट्रोपोनिन, क्लियर? ओके, अब क्या होता है, इस ट्रोपोनिन के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ICT, है ना, ICT, जिसकी क्लासमेट कॉपियां आती हैं, ITS, ITC, ITC होता है या ICT होता है, ऐसे कुछ होता है। IC और T, ये तीन पार्ट होते हैं इसके। ओके, सी पार्ट किससे बाइंड करता है? ऑफ कोर्स सी फॉर हमारा कैल्शियम, इसका सी पार्ट जो है कैल्शियम से बाइंड करेगा, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई पार्ट जो होता है वो एक्टिन पे प्रेजेंट एक्टिव साइट को छुपा के रखता है। क्या बोला? कि जो आई पार्ट है वो एक्टिन पर प्रेजेंट एक्टिव पार्ट को, एक्टिव साइट को, फॉर कौन? मायोसिन के जो एक्टिव साइट होती है उसको छुपा के रखता है, क्लियर? ओके, तो क्या बोला, एक ये पार्ट है हमारा, एक ये पार्ट है हमारा और एक ये है, सी हो गया और आई हो गया। टी जो है, टी पार्ट जो है ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के बीच में बंधा होता है, क्लियर? क्या होता है, ये जो एक्टिन तुमको दिख रहा है इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एक्टिन बोलते हैं बेसिकली, क्लियर? ये ऐसे ये होता है हमारा जी ग्लोबिन, अगर एक एक यूनिट की मैं बात करूं तो वो है जी एक्टिन, सॉरी जी एक्टिन, और पूरे इसकी मैं बात करूं तो ये एफ एक्टिन बनता है, क्लियर? अब इस एफ एक्टिन के अलोंग जो है ऐसे थ्रेड्स और फाइबर्स रन करते हैं, जिसको मैं बोलता हूं ट्रोपोमायोसिन, क्लियर? और इसी पे प्रेजेंट होता है हमारा ट्रोपोनिन, क्लियर? एक साइड किससे बाइंड है? एक साइड बाइंड है हमारी एक्टिव साइट से, एक आई साइट, फिर सी वाली होती है और एक टी वाली होती है, क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका? एक्टिन का। यहां पे सिंपल करने के लिए मैंने एक्टिन को ऐसे तुमको दिखाया है, ऐसा, ठीक है? क्या होता है, अब कैल्शियम आयन जो है सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है, सारकोट्यूबुलर सिस्टम से निकलता है, क्लियर? वहां से निकल के बाद वो बाइंड करता है किससे? सी साइट से, ठीक है, जो ट्रोपोनिन की सी साइट होती है उससे जाकर के बाइंड करता है कैल्शियम, क्लियर? इससे कौन
कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और जो आई पार्ट है वो मूव कर जाता है, जो आई पार्ट है वो मूव कर जाता है और वहां पे जो उसकी एक्टिव साइट होती है एक्टिन की, वो एक्सपोज हो जाती है मायोसिन को। मायोसिन इसको देखता है और एकदम झट से लपक लेता है। ठीक है, ये है हमारा कौन, मायोसिन, मायोसिन का हेड। ये इसको एकदम जल्दी से लपक लेता है और उसको खींच के पावर स्ट्रोक करता है, ऐसे खींचता है ऊपर से। ठीक है, समझे क्या हुआ कि यहां पे देखो, ये है हमारा फॉर एग्जांपल एक्टिन और यहां पे ये मेरी जो उंगलियां हैं ये हमारा मायोसिन है। तो इस एक्टिन को मायोसिन ने ऐसे पकड़ा और इसको पीछे खींचा अपनी तरफ, पावर स्ट्रोक कहते हैं इस मूवमेंट को, क्लियर, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। तो यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए पूरा। और इसी को हम पूरी प्रोसेस को जो स्लाइड होती है, हमने पढ़ा हुआ है क्या क्या स्ट्रक्चर होता था इनका पूरा, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता था ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से ऐसे अटैच करके इसको खींचता है अंदर की साइड। तो ये क्या होता है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म, इसको ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं ये लोग, इसको हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर, आई होप क्लियर है, नहीं है तो डाउट्स तुम लोग पूछ सकते हो, कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। सो दोनों की जो लिंक्स हैं तुमको मिल जाएगी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यही पूरी प्रोसेस है हमारी, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले क्या होगा, यहाँ पे आकर के कैल्शियम जोड़ेगा, ठीक है, कैल्शियम आके जोड़ा, यहां से एक्सपोज हो गई साइड, मायोसिन ने क्या बोला, मैं जाकर इसको जल्दी से चिपक जाता हूं उससे, है ना, जैसे स्पाइडरमैन के वेब्स होते हैं वो चिपकते हैं, वैसे यहां पे भी ये मायोसिन हमारा चिपक गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पे उसने पावर स्ट्रोक करा, उसने पीछे खींचा अपनी तरफ, ऐसे अंदर की तरफ खींचा एक्टिन को और फिर उसको वो छोड़ देगा। इसमें भी एटीपी यूज होती है, जो मायोसिन का हेड होता है वहां पे एक साइट होती है एटीपी के लिए, और वो जब यूज हो जाती है एटीपी तो वहां से निकल जाती है और फिर नया एटीपी बाइंड होता है, इसलिए एनर्जी भी लगती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी किस चीज की, कॉन्ट्रैक्शन की। क्लियर नहीं है तो पूछ लेना, डाउट्स हमेशा अवेलेबल हूँ। तो पूरी प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, पहले तो क्या होता है, इम्पल्स आएगा, पासिंग ऑफ इम्पल्स थ्रू द मोटर नर्व एंड मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या होती है, जहां पे हमारा न्यूरॉन एंड हो रहा है और जहां से हमारी मसल शुरू हो रही होती है, उसको हम मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल रन करेगा, सोडियम और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता रहेगा पूरे उसमें। फिर जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल थ्रू टी ट्यूब्यूल्स में जाएगा एक्शन पोटेंशियल, और वहां से क्या रिलीज हो जाएगा, हमारा कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। एंटर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इनटू सिस्टर्नी, रिलीजिंग ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी पूरी वो स्टोरेज प्लेस होती है जहां पे कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं हमारे। द मोशन ऑफ कैल्शियम आयन टुवर्ड द एक्टिन फिलामेंट एंड फाइनल क्या होता है, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। वो पूरी प्रोसेस जो मैंने समझाई ना कि उसको ऐसे ग्रैप करेगा, उसको पीछे पुल करेगा, इसके बाद की पूरी प्रोसेस यहाँ पे आती है। क्लियर, फाइनल आउटकम यही है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ओके, सो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है उसको हम समझते हैं। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिंकिंग टू द मसल सेल्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को हम बोलेंगे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल ऑन द ऑनसेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, ओके, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, व्हेन अ मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट्स अ मसल फाइबर इट ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल दैट प्रोपगेट्स अलोंग द सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन एंड इनटू द टी ट्यूब्यूल्स। ओके, आई गेस होप क्लियर है। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरी जो मैंने प्रोसेस अब तक तुमको समझाई है हम उसको ही पढ़ रहे हैं। क्लियर, ओके, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या, पूरा कैल्शियम स्टोर होता है, सिस्टर्नी में स्टोर होता है, वहां से एक्शन पोटेंशियल आया और उसको वहां से निकालता है कि तुम बाहर जाकर के कॉन्ट्रैक्शन कराओ भाई जरा। सो द एक्शन पोटेंशियल इन द टी ट्यूब्यूल्स कॉजेस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू ओपन। दिस अलाउज कैल्शियम आयंस टू डिफ्यूज इनटू फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म इनटू द सिस्टोप्लाज्म। सिस्टोप्लाज्म जाएगा किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसआर में से किसमें जाएगा, साइटोप्लाज्म जाएगा। ओके, कैल्शियम बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन, किससे बाइंड करेगा कैल्शियम, हमारी ट्रोपोनिन की सी साइट से बाइंड करेगा, सी फॉर कैल्शियम। ओके, सो कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन अ रेगुलेटेड प्रोटीन एसोसिएटेड विद द एक्टिन फिलामेंट्स। दिस बाइंडिंग इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे और वहां से क्या होगा, आई साइट जो है मूव कर जाएगी और एक्टिव साइट को एक्सपोज कर देगी एक्टिन और मायोसिन की। ठीक है, ओके, which leads to movement of tropomyosin away from the myosin binding site on the actin filament. Clear, myosin bind करता है जहाँ पे उसकी active site को वो expose कर देगा।
एक्टिवेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग विद ट्रोपोमायसिन आउट ऑफ द वे मायोसिन हेड पार्ट ऑफ द हिप फिलामेंट कैन बाइंड टू एक्सपोज साइट्स ऑन एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस दिस इनिशिएट्स द स्लाइडिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. इससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्लाइडिंग मैकेनिज्म होगा. ऊपर एक्टिन प्रेजेंट है, नीचे मायोसिन उसको खींचेगा पूरा. ओके, रोल ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, यही सेम रोल है, कुछ नहीं, बस वो वहां पे प्रेजेंट है. जब हमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना है तब वो उसको इनहिबिट करके रखेंगे, उस साइड को छुपा के रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास सिग्नल आता है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, वो जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपनी जगह बदल देते हैं, कंफर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं ट्रोपोनिन में. ओके, ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ थ्री सब यूनिट सी आई एंड टी. सी साइड जो होता है टीएनसी जिसको बोलेंगे हम, बाइंड्स कैल्शियम आयंस. ओके, TNI inhibits actin myosin interaction in the presence of calcium, in the absence of calcium, sorry, TNI, तो I is for inhibition, clear? Okay. TNT anchors, TNT क्या होता है, बॉम होता है एक, ठीक है, TNT anchors with the troponin complex, two tropomyosin and actin, उनके बीच में ऐसे पकड़ के रखता है, clear? Okay. When calcium binds to troponin, it causes a conformation change in the troponin-tropomyosin complex, allowing मायोसिन टू बाइंड टू द एक्टिन एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि ट्रोपोनिन अपनी जगह छोड़ के जा चुका है. ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन इज अ लॉन्ग फाइबरस प्रोटीन दैट वाइंड्स अराउंड द एक्टिन फिलामेंट कवरिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स इन अ रेस्टिंग मसल. ये उसको छुपा के रखता है पूरा. व्हेन कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन अंडरगोस अ कंफर्मेशनल चेंज एक्सपोजिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन एंड अलाउइंग क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. क्लियर, क्या होगा, ट्रोपोनिन बीच में प्रेजेंट है, टीएनटी साइड जो है वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से ऐसे बाइंडेड है ना, यहाँ पे पूरा हमारा एक्टिन प्रेजेंट है. अब यहाँ पे कैल्शियम आके जुड़ा और उसने चेंजेस कर दिए और इससे साइट एक्सपोज हो जाएगी, यही पूरी प्रोसेस है. क्लियर, ओके. स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या कहता है, जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे, अगर मैंने पढ़ाया इस बारे में तो क्या है, यहाँ पे थिक फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना, आई बैंड ए बैंड एच जोन पूरा, ये इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये क्या है मेरा, ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, और ये क्या है, लाइट फिलामेंट, है ना. तो यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, हमारे मायोसिन प्रेजेंट है, यहाँ पे मायोसिन मायोसिन है, इसको वो पकड़ेगा, साइड एक्सपोज होगी, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है मायोसिन के लिए, वो जाकर के सीधा उसको ग्रैप करेगा और पुल करेगा. क्लियर, पुल करा इसने तो क्या होता है, ये अंदर की साइड आएंगे. अब अंदर की साइड आने की वजह से इसके बीच का जो एच जोन होता है, क्लियर, जो इसके बीच का एच जोन होता है वो कम होता जाता है. क्या क्या होता है, यहाँ पे जेड लाइंस होती हैं, है ना, यहाँ पे जेड लाइंस हैं. अब तुम कंपेयर करो अगर, तो यहाँ पे जेड लाइंस क्या है, दूर हैं, यहाँ पे जेड लाइन दूर है, तो यहाँ पे क्या होता है, जेड लाइन पास आ जाएगी, एच जोन जो इतना बड़ा है पहले एच जोन, वो क्या होगा, यहाँ पे छोटा होता जाएगा. ये सारे कुछ चेंजेस होते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो होते हैं. क्लियर, ओके. So, sliding mechanism क्या कहता है? Sliding filament theory explains how muscle contraction occurs at the molecular level. Molecules कैसे काम करते हैं? Cross bridge formation होगा, जो यहाँ पे myosin ने उसको पकड़ा है, किसको? Actin को पकड़ा है, इसको हम बोलते हैं cross bridge. Cross bridge इसको हम कहते हैं. Clear? Cross bridge. वो आपस में ऐसे इधर से उधर connect हो रहा है, इसलिए हम उसको cross bridge बोलेंगे. Clear? Okay. Myosin heads, part of the thick filaments, bind to exposed sites on actin thin filaments, forming हमारे क्या cross bridges. Okay. Power stroke upon ATP hydrolysis, the myosin heads undergo conformational change, pulling the actin filaments towards the center of the sarcomere. This shortens the sarcomere and produces muscle contraction. Sarcomere की length जो है छोटी हो रही है, Z lines पास में आएंगी, H zone छोटा हो रहा है, यानी वो पास पास में आ रही है सारी चीजें. ATP hydrolysis and cross bridge detachment. ATP binds to the myosin head, causing it to detach from actin. ATP is hydrolyzed to ADP and PI, yani inorganic phosphate, free form में जो होता है, providing the energy for cross bridge detachment. क्या होता है? इसने क्या बोला भाई अभी अभी? तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो myosin का head है, myosin का जो head है, ये हमारी tail part हो गई, ठीक है? इसमें एक ATP बैठा रहता है, ठीक है? अब ये ATP जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ADP प्लस PI में, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट.
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसको एक्टिव साइड दिखी और वो उस एक्टिव साइड को पकड़ना चाह रहा है, उस चीज के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो इसके साथ साथ क्या हमारी एनर्जी भी तो निकलती है, इस एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है और एक्टिन को जाकर के पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर बाद क्या, वो कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया, अब क्या होता है एक नया एटीपी आता है। इसको दूसरे कलर में बनाते हैं, चलो यहाँ पे क्या हुआ, एक नया एटीपी आया और इसने देखा कि यार देखो यहाँ पे एडीपी है और आईपी है, मतलब पीआई है सॉरी, और ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ये दोनों क्या है अलग अलग हो चुके हैं, इनकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई है और साइट जो है एटीपी जहां पे आकर के बैठता है वो खाली पड़ी है, तो मैं क्यों ना वहां पे आकर के बैठ जाऊं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं और ये तो ऐसे ही रिलीज हो जाते हैं, इनका तो हाइड्रोलिसिस हो गया है, इनका कोई काम नहीं बचा है, तो ये रिलीज हो जाते हैं। क्लियर? ओके, नहीं है तो डाउट्स बिल्कुल पूछो तुम मुझसे। कहां पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे प्लस द अनफिल्टर्ड मेडिको, इसी नाम से मेरी जो आईडी प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक भी मिल जाएगी, प्लस यूट्यूब कमेंट सेक्शन भी जो है वो खुले हुए हैं एकदम, वहां पे भी तुम पूछ सकते हो। ओके, सो एटीपी हाइड्रोलिसिस हो गई, पूरा वो प्रोसेस हो गई। रीसेटिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस क्या होगा, वही वापस आना है उसको, तो एटीपी आकर के वहां बैठेगा और वापस से जो है कॉन्ट्रैक्शन वो हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी वापस से मसल। द मायोसिन हैड रिटर्न्ड टू देयर ओरिजिनल कन्फर्मेशन रेडी टू बाइंड टू एक्टिन अगेन। अब नेक्स्ट जब इंपल्स आएगा, नेक्स्ट वापस से जब कैल्शियम बाइंग होगा तो पूरी प्रोसेस अपने आप को रिपीट करेगी। दिस साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन पावर स्ट्रोक एंड डिटैचमेंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कैल्शियम आयंस एंड एटीपी आर अवेलेबल रिजल्टिंग इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? जब तक एटीपी प्रेजेंट है, जब तक कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, यह कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। आई होप क्लियर है। सो ये क्या है, पूरी प्रोसेस है, इसको समझाया है यहाँ पे। कैल्शियम निकलेगा कहाँ से, सिस्टर्नी से, सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, उसकी पोजीशन चेंज करेगा, ट्रोपोमाइसिन मॉलिक्यूल जो होते हैं पुल्ड अवे फ्रॉम एफेक्टिन, उससे क्या होगा साइट एक्सपोज हो जाएगी, एक्टिव साइट जो है उसकी वो एक्सपोज हो गई। मायोसिन अटैचेस टू एक्टिन, पावर स्ट्रोक होगा, स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स होगा, आपस में जो है पास पास आएंगे दोनों, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एंड क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट होगा, मायोसिन अटैचेस एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस आएगा, फिर रिपीटेशन ऑफ दीज मूवमेंट्स, दीज टीएचईएसी, ठीक है गलत लिख दिया थोड़ा सा, टाइपिंग एरर आई नो, रिपीटेशन ऑफ दीज मूवमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये होता रहेगा बाबा जब तक मैं, मेरे पास कैल्शियम और एटीपी प्रेजेंट है, तो ये प्रोसेस होती रहेगी। क्लियर? तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर पूरा होता है। आज हमने पूरा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूलर बेसिस पे उसको समझा है। आई होप तुम लोग को समझ आया हो, नहीं आया है किसी भी पॉइंट पे, कुछ भी समझ नहीं आया है तुम वापस से वीडियो देख सकते हो, और फिर भी नहीं आता है तो बिल्कुल मेरे को जो है मैसेज कर सकते हो, मैं बेस्ट ट्राई करूंगा अपना, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि तुमको मैं समझा पाऊं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।